जो प्रभारी थे यहाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने तो भंडारा चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा कमेटी बनाई, उम्मीदवारों को चयन करने के लिए कमेटी बनाई। क्या संकेत दिया आपने? कमेटी बनाकर संकेत दिया ना कि आप लोग भंडारा वाले चुनाव की तैयारी करो। वर्करों को यही संकेत दिया। जब कमेटी बनती है, चयन कमेटी बनते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि जाओ आप काम में लग जाओ। चयन कमेटी बनती है, भंडारा के लोग काम में लग जाते हैं, गोंदिया के लोग काम में लग जाते हैं, जहाँ हमें विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नंबर से बाद सबसे ज़्यादा वोट बीएसपी को है। वहाँ का वर्कर तो सपना देखता होगा ना कि मैं तालुका पंचायत, जिला पंचायत का मेंबर बनूँ। क्या गलत है? एक तो उसको असेंबली का टिकट आप नहीं देंगे, पार्लियामेंट का नहीं देंगे, तो वो क्या जिंदगी भर आलू छीलते बैठा रहेगा? उसको और कोई काम नहीं है, उसकी कोई राजनीतिक आशा आकांक्षा नहीं है। क्या ये सच्चाई जो आप मुंह मोड़ लेंगे? मिशनरी होना और मिशनरी होने के साथ साथ राजनीतिक में भी मैदान में लड़ना, ये कोई गैर मिशनरी कैरेक्टर नहीं है, ये तो मिशन का ही एक पार्ट है। तो क्या वो वर्कर चुप बैठेगा? तो आपने कहा कि भाई चुनाव की तैयारी करो, हमने एक चयन कमेटी बनाई। चयन कमेटी बैठती है 18 अप्रैल को। मैं जब बहन जी के सामने लखनऊ में था, ये बाकी लोग भी थे, तो कहा गया था जम के चुनाव लड़ना चाहिए। तब तो नहीं कहा था चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जम के चुनाव लड़ना चाहिए तब कहा था। फिर आप कमेटी बनाते हो और 7 जून को आपकी महाराष्ट्र की स्टेट कमेटी होती है, उसमें आप कहते हैं कि कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्या एकाएक हुआ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा कि भंडारा और गोंदिया में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? अगर लड़ना नहीं था तो कमेटी क्यों बनाई? अच्छा, चुनाव नहीं लड़ना है तो आपने संगठन को भी भंग कर दिया। 7 जून को इन्होंने भंग कर दिया, 10 जून को भंडारा और गोंदिया के लोगों की मीटिंग हुई भंडारा में, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपना बैनर ढूंढा है, मैंने नहीं दिया है। बहुत से लोग समझते वो मेरी पैदाइश है, वो उन्होंने ही ढूंढा है, क्योंकि उनका बीएसपी से इतना लगाव है, प्यार है, कि वो बीएसपी टाइटल छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बहुजन समाज परिषद, शॉर्ट फॉर्म बीएसपी, ये प्यार का उनका नतीजा, उन्होंने ही बनाया। बना के उन्होंने मेरे से बात की कि प्रदेश का पीछे हमारे कोई नहीं खड़ा रहेगा, क्या आप हमारे पीछे खड़े रहोगे? अब ऐसा कोई कहेगा तो तारे लिखते हैं ना। तो मैंने तो साफ कह दिया कि कोई परवाह नहीं, आपने विधानसभा में जी तोड़ मेहनत की है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे डट के खड़ा रहूँगा। इसके लिए मेरा पद जाएगा तो भी मुझे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हम भंडारा में सम्मेलन करते हैं, आपको आना है। ये 10 की उनकी मीटिंग है, 11 को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, 14 को सम्मेलन किया। मैं खुद 14 तारीख को भंडारा पहुंचा, लगभग 1,000-1,500 लोगों की भीड़ थी। अब ये कोई 2-4 लोगों का फैसला होता तो इतनी भीड़ आती कहां से? और आज मैदान में क्या नतीजा ये है कि 31 ZP और 52 तालुका पंचायत, ये लोग आज मैदान में इंडिपेंडेंट बनके बहुजन समाज परिषद के नाम पे चुनाव मैदान में हैं। अब इनको जीतने दो ना, अब अपने बंदे उनको हराने में लगे, यही ठेकेदार हराने में लगे। पार्टी ने क्या ऐलान किया? बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये लोग बहन जी का फोटो लगाकर घूम रहे हैं, दूसरा पैनल बनाकर, हाथी चुनाव लगाकर भी घूम रहे हैं। तो हमारे वर्कर ने कहा ऐसा अनऑफिशियल हाथी घुमाने के बजाय ऑफिशियल घुमाते, ये कौन सा पागलपन है? तो ये ठेकेदारी अभी भी बंद नहीं हुई। कल रिटर्निंग ऑफिसर को बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट दी गई है कि राष्ट्रीय पार्टी के नेता का चित्र और चुनाव चिन्ह पार्टी के परमिशन के बगैर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता।
अगर परमिशन है तो दिखा दो कि आपको किसने परमिट किया है, कल शिकायत लिखी दी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए आपको बहन जी का फोटो भी इस्तेमाल करना पड़े, हाथी चुनाव भी इस्तेमाल करना पड़े। तो ये किनके डायरेक्शन में कर रहे हो भाई? इशारे नहीं, डायरेक्शन में कर रहे हो। और ये जब चल रहा था तो बीच में फिर लखनऊ की मीटिंग हुई। कोई लखनऊ में शाहू महाराज की जयंती नहीं थी, सिर्फ यही महाराष्ट्र का मुद्दा था, कोई नहीं मुद्दा। और क्या मुद्दा था? जो अपने बहन जी में भाषा में कहा कि मैं इसलिए मीटिंग बुलाया क्योंकि मेरे गैर हाजिरी में मेरे सिपर सालार अगर आपको उनको कुछ कहते, तुम लोगों को कहते, तो तुम लोग उनकी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने बुलाया। अब जब प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश का प्रभारी, इनकी प्रदेश के लोग, प्रदेश कमेटी के लोग नहीं मानते बात, तो उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जो अपने कमेटी को बात नहीं समझा सकता, इसके बजाय उन्होंने वही कारण दिया और फिर दो चार लोगों के नाम उसमें से निकालने की बात। ठीक है, उनके हाथ में जो था वो उन्होंने किया, इसका संदेश तो अच्छा नहीं गया, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। और इसलिए फिर हमने और किशोर गजबीज ने तुरंत फैसला लिया, क्योंकि नागपुर भंडारा में आना ही था, कोई प्लान प्रोग्राम ऐसा करके खास करके आया ऐसा ही नहीं है, भंडारा में जाना ही था। और इसलिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर सीधे इस्तीफे दिए, क्योंकि ये बांध किसी ने न किसी ने तोड़ना जरूरी था, क्योंकि पिछले 10 साल से हमारा वर्कर हताश है, हताश, क्या करे, पढ़ा लिखा आदमी क्या करे, बॉम्बे वाला आदमी क्या करे, बीएसपी वाला आदमी करे तो क्या करे, इस अवस्था में था। अब इसको ब्रेक करना ये वक्त की ज़रूरत थी, और हमने सोचा चलो कुछ भी हो जाए अपना कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं, अपना सिक्योरिटी जोन, सिक्योर्ड जोन वो छोड़ देते और सीधा कह देते कि भाई ये गलत है। और इसलिए फिर ये कदम उठाया गया। अब ये उठाने की बैकग्राउंड तो आपके समझ में आए, खास करके भंडारा और गोंदिया के चुनाव को लेकर। अब गोंदिया और भंडारा में विधानसभा के समय में, चुनाव के समय में प्रफुल्ल पटेल बिल्कुल घूमता नहीं था, आज एक एक दिन में 7-7 मीटिंग कर रहा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? विधानसभा में तो तेरे सिपा सलाहकार मैदान में थे, तब तू मैदान में नहीं था, आज क्यों घूम रहा? और उसके पीछे के कारण समझना बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बाद 2 नंबर का सबसे बड़ा नेता है एनसीपी का। विदर्भा में एनसीपी की जान किसी ने बचाई है? जो भी गढ़ बचाए वो प्रफुल्ल पटेल रखता है। हमारे साथ धोखाधड़ी जब भी होती है वही होती है। विधानसभा के समय यही प्रफुल्ल पटेल गायब क्यों था और अब खुले दिल से क्यों घूम रहा है? बंदोबस्त करके घूम रहा है। और अगर यह बंदोबस्त करता है तो इसी का बंदोबस्त तोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लोग मैदान में आ गए। ये वर्कर की, मूवमेंट की, मिशनरी लोगों की निशानी है, और इसलिए उनका साथ देना कोई गलत नहीं है। बात दूर तक समझाकर समझने की जरूरत है। और इसीलिए जब फैसले लिए तो ये अपेक्षित था, ये कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ रहे थे कि क्या होगा, अच्छी तरह से जानते थे कि क्या होगा, और ये बात को समझकर चल रहे थे कि इसके नतीजे क्या होंगे। लेकिन हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहन जी का अभी उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे राज्य के तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, हर कोई जानता है। पिछले 3 साल में मैंने बहुत कोशिशें की अंदर रह के सुधार करने की, यहाँ तक गया हो कि बहन जी जिला अध्यक्ष को 6 महीने में एक बार बुलाइए दिल्ली या लखनऊ, और उनके साथ सिर्फ बैठकर 10 मिनट चाय पीजिए, आप खुद मच कीजिए, उनको बैठने दो आपके साथ 10 मिनट के लिए,
गधे का घोड़ा बनकर जाएंगे, मैदान में लड़ेंगे। सिर्फ आप उनको नजदीक तो ले लो, लेकिन वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो बाहर ही नहीं आने देते। अब वो उनका मामला है, क्या है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बाहर ही नहीं आएंगे तो फिर वर्करों के साथ नेता ही नहीं मिलता है, तो फिर वो कनेक्टिविटी, यही तो कांशीराम जी और बहन जी का फर्क हुआ ना, कि हर कोई आदमी कहीं भी। और उन्होंने कहा भाई हाँ सारे कैसा हो, तो सारे बूढ़ा होगा तो भी जवान होता था, और यहाँ जवान है बूढ़ा है कोई है या नहीं साला पता ही नहीं है। तो ये जब बातें सामने आई तो दो अढ़ाई साल बहुत सुधार करने की हम लोगों ने बात की, कोशिश की, क्योंकि मुझे तो डर नहीं था, क्योंकि मैं ना एमपी के लाइन में था, ना एमएलए के लाइन में था, ना कोई टिकट के लाइन में था, तो मुझे कोई डर नहीं था। फिर भी कोशिश का कुछ नतीजा आने लगा था, कुछ नतीजा नहीं आया। जानते थे हम क्या नतीजा होगा, और इसलिए जब ये नतीजा हुआ तो दुख तो हुआ है, सबको हुआ है, किसी को नहीं होगा। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये दुख और तकलीफ में कल की आराम की बात भी जरूर शामिल हो सकती है। और इसी को लेकर तकलीफ को अपनी इस बात को मानकर हम लोगों ने ये भूमिका ली, कोई बात नहीं, घर भी 20-25 साल का होता है तो रिपेयर करना पड़ता है, घर भी 20-25 साल का होता है तो रिपेयर करना पड़ता है, सीमेंट को तोड़कर नया सीमेंट लगाना पड़ता है, पत्रा लगाना पड़ता है, लकड़ी बदलनी पड़ती है। शायद अब यही समय आ गया कि अपने राजनीतिक घर की भी मरम्मत करने का मौका सही मौका आ गया। अब चलो किसी के हाथ तो नहीं सही, अपने हाथ में पड़ गई, चलो शुरू कर लेते। और इसीलिए इस बात को लेकर अब शुरुआत की गई है। मोटे तौर पर बामसिप का रिवाइवल होना, महिलाओं का संगठन बनाना, नए विषयों को बहुजन समाज पार्टी के दायरे में लाना, जैसे विदर्भ का मामला, कई और सारे मुद्दे हैं, कैडर कैंप लेना। अब कैडर कैंप तो बंद पड़े थे, आपको मालूम है, अभी भी 11 रीजन के, जो 11 रीजन के कैडर कैंप हुए वो भी मैंने लिए। अब इसके बाद में कोई कैडर कैंप नहीं होगा, क्योंकि कैडर की जरूरत ही क्या है। मूवमेंट चलाते तो कैडर की जरूरत पड़ती, जिनको राजनीति ही करनी है उनको कैडर क्यों की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 10 साल से हमारा बड़ा भारी नुकसान हुआ है, कि वो ये नुकसान क्या है, ना हम पूरी तरह से राजनीति कर पाए ना मूवमेंट कर पाए, और दोनों फ्रंट पे जब फेल होने लगे तो फिर अब ये मौका है कि चलो दोनों फ्रंट पे रिपेयरिंग शुरू कर देते, दोनों फ्रंट पे रिपेयर शुरू कर देते। और मैंने साफ साफ बातें कही है, कोई घुमा फिरा कर नहीं कही है, कोई गोल गोल वाले बातें नहीं की है। महाराष्ट्र में अभी कुछ भी लोग कहे कि बामसेब की क्या ज़रूरत है, पिछले टूर में औरंगाबाद में कहा बामसेब की हमें ज़रूरत नहीं है। उनको क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरत और कोई पूरा करता होगा, इसलिए शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो कांशीराम साहब शायद गलत थे जिन्होंने बामसेब की ज़रूरत को समझा, और आप उनसे ज़्यादा अक्लवान निकले, आप उनसे ज़्यादा अक्लवान निकले, तो शायद आप आपको ज़्यादा सही समझते हो। हम शायद अब पागल लोग होंगे, गलत लोग होंगे, लेकिन अपने कदम के मुताबिक अपनी बामसेब वैसी की वैसी चलेगी, बामसेब के ही नाम से चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बामसेप इज इक्वल टू कांशीराम, यह समीकरण सेट हो चुका है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बहुत से लोगों ने कोशिश की, कितने सफल हुए नहीं हुए वो अलग बात है, फिर भी अपना जो अनरजिस्टर्ड बामसेप है वो वैसा की वैसा चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगी। अब कई दिनों से आप लोग कहते थे कि अलग अलग विंग बना, छात्र मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है,
अब नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये हमारा कंटिन्यूस डाल रहा। लेकिन क्या चुनाव के समय में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज में है, तो हम कहाँ से महिलाएं लाएंगे? तो किसी बामसेप के बीएसपी के वर्कर की मिसेस को, मदर को, सिस्टर को लाएंगे। अच्छा, वो बेचारी मदर सिस्टर जो भी होगी, वो क्या राजनीति में ट्रेन है क्या? उसकी कोई छवि है क्या? तो ये जीतने का प्रोग्राम है या हारने का प्रोग्राम है? ये तो पूरा प्रोग्राम 100% हारने का। अच्छा, ऐसा कौन से नुकसान किया है कि भगवान बुद्ध ने भी आखिर महिलाओं को भिक्खु संघ में प्रवेश दिया, आप क्यों नहीं देते? ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिससे आपका बड़ा भारी नुकसान हुआ है? कोई जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना, कोई सैद्धांतिक तौर पे बात नहीं। तो ये भी उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो इसके आगे अपनी महिला अघाड़ी भी जैसे पुराने समय में चलती थी उसी तरह चलेगी, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जहाँ है महिलाएं वहाँ चलेगी, जहाँ नहीं महिलाएं नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ जिला में नहीं है महिलाएं, वह तो कोई सवाल ही नहीं। और आज समय बदला है, विदर्भ में धान का मुद्दा है, धान के मुद्दे के जैसे विदर्भ का मुद्दा है वैसे धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है। यही ठेकेदार बैठा है जो नागपुर का भी बॉम्बे में आके, तो ऐसा मत समझिए वहाँ का आदमी यहाँ के बैठता है, यहाँ का भी वहाँ जाके बैठता है, वो उधर जाके बैठा, उसको इधर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उधर जाके बैठा है। वो वहाँ बैठने के पहले कहता था हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान की 2200 देंगे, 3000 देंगे, अब कितनी दे पाए? कुछ जगह 1800 मुझे लगता है, 50 रुपया सिर्फ बढ़ा है, 50 रुपीज। अब कितने किसानों को प्रभावित किया? विदर्भ के सारे किसानों को प्रभावित किया। धान पैदावार पड़ी है, किसी के घर पे पड़ी है, किसी के मार्केट में पड़ी है, एक हाथ में पैसा नहीं है, क्या मरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या उनकी बात बीएसपी नहीं करेगी? क्या इनकी बात हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है? किसान मजदूर आंदोलन नाम का एक आंदोलन कांशीराम साहब ने भी चलाया था, शायद नए लोगों को ये बातें पता नहीं है। क्या बदलते समय में आप इसको आंदोलन को नहीं लेंगे? और आंदोलन का आंदोलन भी कैसे करेंगे? तो बढ़िया शामियाना डालेंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे, एयर कंडीशन कूलर लगाएंगे, वैसे एक दिन में जाके बैठेंगे और परित्राण पाठ करेंगे, इसको आंदोलन करेंगे। परित्राण पाठ करना ही है तो चीवर पहनो, निकल जाओ, क्यों बैठे हो, क्यों मूलन का सत्यानाश कर रहे हो, वो कर लो। परित्राण पाठ करना ही है तो चीवर पहनो, निकल जाओ, क्यों बैठे हो, क्यों मूवमेंट का सत्यानाश कर रहे हो, वो कर लो। पता नहीं, शायद वहां भी जाके सत्यानाश हो गया। तो आंदोलन तो आंदोलन होना चाहिए, लगना भी चाहिए ना, शकल में, सूरत में, चाल में, चरित्र में, कुछ नहीं। अब ऐसे काम चलाओ आंदोलन से कैसे हो? तो ये भी आज़ादी चाहिए, और इसलिए मैं आया ना, तो परमिशन लिया था आंदोलन करने की, आज़ादी दे दो, शायद तब चुनाव था इसलिए वो दे पाए कि भाई करने दो इनको जो करना है, किसी भी हालत में वोट आने दो, इज्जत बचने दो, लोकसभा में बहुत नीचे गई, इसलिए शायद दी होगी। और इसलिए विषयों को लेकर भी, एजेंडा को भी लेकर भी अपने मूवमेंट को बदलना होगा, आने वाले समय में बदलना होगा। कल मैंने चंद्रपुर में आंकड़े दिए, हर पार्लियामेंट के अंदर 18 या 19 सिर्फ एक साल के फासले के, हर पार्लियामेंट के अंदर 542 पार्लियामेंट के अंदर चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, हर पार्लियामेंट में 18 या 19 उम्र के बीच का, मतलब एक साल वाला, वही 18-19 वाला, हर पार्लियामेंट में 42,000 यंग वोटर है, 42,000 यंग वोटर है। क्या आपसे जुड़ने का कोई कार्यक्रम है? क्यों जुड़े आपके साथ? उसको अपने अंदर खींचने का कोई कार्यक्रम नहीं? कोशिश तो करो, आए ना आए उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन जब दुकान चलानी है तो माल तो लाना पड़ेगा,
रखोगे तो आएगा कस्टमर, लाओगे नहीं, खोल के बैठोगे तो आएगा कौन? 42,000 यंग हर पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, उसको आप नहीं आएंगे? छात्रों को छोड़ देंगे, युवकों को छोड़ देंगे और कहेंगे फिर बामसेप वालों का लड़का क्यों नहीं आता है? क्यों आएगा? बामसेप वाले की जिंदगी गई, वो देखता है बामसेप वाले मेरे बाप का क्या हाल है, वो हाल देखकर क्या हिम्मत करेगा उस रास्ते पर चलने की? अब शफी का लड़का क्या हिम्मत करेगा शफी के रास्ते पर चलने की? क्या मेरा लड़का या लड़की हिम्मत करेगी? ये तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है। हम अपने पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को अपने आंदोलन से दूर रखने का इंतजाम कर रहे हैं, दूर रखने का। कैसे आंदोलन चलेगा? कांशीराम साहब कहते थे हर सभी को मरना है। आज मैं मरूंगा, जिंदा हूं, कल मैं मरूंगा, परसों और कोई मरेगा, हम सारे मरेंगे, लेकिन आंदोलन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना चाहिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाना चाहिए। क्या इंतजाम है हमारा? मूवमेंट लंबे समय के लिए चली, इसका इंतजाम भी करना पड़ेगा और ये इंतजाम भी आने वाले दिनों में हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए यूथ कन्वेंशन मैंने महाराष्ट्र में सीरीज लगाई है। बॉम्बे का यूथ कन्वेंशन हुआ, पूना का हुआ, तीसरा 5 जुलाई को औरंगाबाद में है और बाद में विदर्भ लेवल का 19 जुलाई को वर्धा में, 5,000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल वर्धा में है। अब 5,000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल जब हम बुक करते हैं तो हमको विश्वास है ना कि 5,000 लोग आएंगे? हम विश्वास रख सकते हैं, आप क्यों नहीं? आपको क्यों भरोसा नहीं? आप में ही वो काबिलियत क्यों नहीं कि आपको वो विश्वास नहीं है? और इसीलिए अनटैप युवा है, अनटैप लोग है, इनको मूवमेंट के अंदर लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हमारा दायरा भी बढ़ाना, विषयों को लेकर, समाज को लेकर भी। मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र में 25 विधानसभा की सीटें ट्राइबल की है और 29 शेड्यूल कास्ट की है, ये दोनों की 54 सीटें हैं। कभी हमने ट्राइबल सीट जीतने का कभी प्लान किया? जबकि गढ़चिरौली में अगर आपके पास पहले चुनाव के पहले 6 महीने पहले अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए रहेंगे तो आप गढ़चिरौली की आसानी से विधानसभा सीट जीत सकते हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। 10-12 लाख में आप विधानसभा की सीट जीत सकते हो, मेलघाट में जीत सकते हो। क्या हमने कभी इंतजाम किया? कभी अम्बेडकरी आंदोलन को ट्राइबल एरिया में लेके जाके वहाँ इन्फोर्स करने का काम किया? ना मूवमेंट के लेवल पर हम सफल हुए, ना राजनीति के लेवल पे। अकेला महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज 15% है, दलित 14% है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। चलो यमायम के नाम से सही, वो आज 2 तो जिता सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जिता सकते? क्या आप उनसे ज़्यादा कमज़ोर हो या वो ज़्यादा लायक है? वही तो बात है, एक तो हम कमजोर है, वो ज्यादा वो लायक है, या ज्यादा वो होशियार है, हम कम होशियार है? वो जीत सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जीत सकते? लेकिन हम जीतने के लिए लड़ते ही कहा? जीतने के लिए लड़ते ही कहा? अब लड़ोगे ही नहीं जीतो कि जीतने के लिए, तो जीतोगे कैसे? तो ये कमी किसकी है? क्या इस कमी को हटाना ये मूवमेंट नहीं है? और इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कई ऐसे जगह है जिसको अगर टारगेट बनाकर काम करें तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। कोई काम जरूरी ऐसा नहीं कि मुश्किल वाला है। इतना ही नहीं, चलो महाराष्ट्र में कई सारे बौद्ध लोगों का एनालिसिस करते हैं, 1.5 करोड़ वोट है, 1.5 करोड़ वोटर्स है, सारे अम्बेडकरी आंदोलन के 25 लाख वोट है, अकेले BSP के 12 लाख वोट है, अकेले 12-12.5 लाख वोट में 6.5 लाख अकेले BSP के वोटों में से 6.5-6.5 लाख विदर्भ के हैं, बाकी तो बाकी महाराष्ट्र के। प्रकाश अम्बेडकर के कितने? 4,64,000 है। रामदास अठौले के 1,05,000 है। गवई ग्रुप के 63,000 है।
बाकी सारे एक परिवार के अखिल भारतीय पार्टियों के वोट है। ये 25 लाख का हिसाब हो गया, 1 करोड़ 25 लाख कहा जाता है, उसका हिसाब कौन लगेगा? क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? बाकी 1 करोड़ 25 लाख के कहा गया उत्तर नागपुर में, कहा गया सोलापुर में, कहा गया नागपुर में, कहा गया, उसके बारे में कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं। कैसे आएगा वोट लाने की कोई बात नहीं। और चुनाव लड़ते तो हम कैसे, हमें कोई पूछे ना पूछे पहले ही बोल देते हैं हम अपने बलबूते पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। कोई पूछता भी नहीं कैसे लड़ने वाले हो, पहले ही हम घोषित। मोस्ट प्रिडिक्टेबल इन इंडियन पॉलिटिक्स, कांशीराम जी वॉज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इन इंडियन पॉलिटिक्स, अनप्रिडिक्टेबल थे। कांशीराम जी के सफलता का राज क्या है उसको कोई, उनको कोई समझ नहीं सकता था। भोपाल में पत्रकार परिषद थी, पत्रकार ने पूछा साहब आपने सारे लोगों के साथ अलायंस किया, ये पार्टी से किया, वो पार्टी से किया, अगले चुनाव में किसके साथ अलायंस करने वाले हो? पत्रकार को लगा मैंने बड़े तेज तीर मारने वाला सवाल पूछा, इन्होंने हवा निकाल दी, और कौन सी पार्टी बचे जरा बता दो, पूरी हवा निकाल दी। इसको कहते अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रैटेजिस्ट। पिछले 10 साल में हम इतने प्रिडिक्टेबल हो गए कि पूरे दूसरे राजनीतिक पार्टियों को मालूम पड़ा कि हमारी जान कहाँ है, पूरे भारत की, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जान कहाँ है तो 20% दलित में। बस उसका इंतजाम हो गया तो पोपट खत्म, पंछी खत्म होता है ना, पूरे भारत के पंछियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने प्रिडिक्टेबल हो गए इसलिए पिछले लोकसभा में 14% दलित खिसक गया, 14% आंकड़े, 14% दलित कैसा खिसक गया? कहा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अब राजनेता कोई भी कहेगा नहीं, किसी भी समाज ने वोट भी नहीं दिया तो कोई नेता नहीं कहेगा कि इस समाज ने वोट नहीं दिया, अगली बार तो देगा, इन्होंने कह दिया कि नहीं दिया। और 14% खिसक गया उसके बारे में क्या, उसके बारे में कुछ नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी के लेवल पे हम इतने पिछड़ गए, इतने पिछड़ गए कि हमें इंडियन पॉलिटिक्स में टैकल करने के लिए विरोधी पार्टियों को अकल की जरूरत ही नहीं लगी, अकल की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि आप इतने प्रिडिक्टेबल और आसान हैंडलिंग के लिए हो गए। नतीजा क्या हुआ? डाउनफॉल हुआ। हम अकेले दम पर लड़ेंगे, अकेले दम पर लड़ेंगे, यार इधर पूरा दमा होने को आया, दमा समझते ना। अब महाराष्ट्र में 31 साल हो गए पार्टी को, 84 2015, वो 16 साल क्योंकि पार्टी बनने के पहले वाला मैं हूँ। 5 जनवरी 1982 को कांशीराम साहब के सामने स्टूडेंट के नाते पहला भाषण है मेरे मुंबई का, 5 जनवरी 1982 को सर कावत जी जहांगीर आर्ट गैलरी में DS4 का विभागीय सम्मेलन। 84 से 2015 31 साल हो गए ना। 31 साल में कांशीराम साहब ने 95 में एक प्रयोग किया, उसमें सारे पार्टियों को साथ लिया था, प्रकाश अंबेडकर को भी लिया था। तब 95 का वोट प्रतिशत क्या था? ये अपने मेलघाट वाला वही समय, उसी समय राजकुमार पटेल जीतते जीतते हार गया। अहेरी में कितने में थे हम? गढ़चिरौली में, कई जगह पे थे, इवन मुंबई में 27,000 वोट पड़े थे, चंद्रकांत हंडोरे कैंडिडेट था, और तब हमारा यह प्रदेश अध्यक्ष शिडी लोकर इंडिपेंडेंट था 450 वोट लेकर इंडिपेंडेंट। कांशीराम जी ने दम देने के बावजूद 27,000 वोट पड़े थे बॉम्बे में, कांशीराम साहब ने वो प्रयोग किया था, महाराष्ट्र के राजनीति को समझकर प्रयोग किया था। आज हमारे पास नेशनल लेवल पे ना हमारे पास कोई दोस्त है, ना कोई पार्टी दोस्त है, क्यों नहीं है? इतने हम आइसोलेट हो गए,
नेशनल पॉलिटिक्स में भी और स्टेट पॉलिटिक्स में भी। अगर कल हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हमारी बात करने के लिए कोई एक दोस्त नहीं इंडियन पॉलिटिक्स में। ये सक्सेस है या फेल्यूर है? और पिछले 10 साल में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आके गई, क्या हमें नया एक भी दोस्त नहीं मिल पाया? क्या नेशनल लेवल पे एक भी दलितों की, एक भी आदिवासियों की, एक भी पिछड़ों की, एक भी माइनॉरिटी की राजनीतिक छोटी मोटी पार्टी हमारा दोस्त नहीं बन सकी? क्यों नहीं बन सकी? हम तो हुकुमरान थे ना, क्यों नहीं बन पाए? ऊपर नहीं बन पाए, नीचे नहीं बन पाए, तो एक ही बच्चा जो है उनको निकालते रहो, उसके अलावा बच्चा क्या? क्योंकि बना तो नहीं सक पाए 10 साल में। साहब के समय में इनफ्लो हमेशा चालू था, चाहे वो नेता हो, चाहे वो दूसरा कोई, यह अपना मुस्लिम था अपना एमपी बहराइच वाला मुस्लिम एमपी खान डंपी, तो आजमगढ़ वाला, ये दूसरा खान मोहम्मद आरिफ खान, तो ये इनफ्लो शुरू था ना। बाद में तो इनफ्लो कंप्लीट बंद, इनफ्लो है ही नहीं, ओनली आउटफ्लो ऊपर भी और नीचे भी, तो मूवमेंट भी नहीं है और ये भी नहीं। इसलिए हमको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में हम इस बात को भी थोड़ा समझ के चले कि ये 4 प्लेयर को छोड़ देते, कांग्रेस बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी, बाकी प्लेयर को तो हमारे साथ आ जा सकते हैं ना, आ जा सकते हैं। तो उसके साथ बैठ के तेरी जगह यहाँ मजबूत है तू यहाँ बैठ, मेरी जगह यहाँ मजबूत है तू मुझे यहाँ बैठने दे, ये बात करोगे तो मूवमेंट भी खड़ी होगी और राजनीति भी खड़ी होगी। क्या महाराष्ट्र के लोग ये नहीं चाहते? कर्नाटक के लोग नहीं चाहते? दिल्ली के लोग नहीं चाहते? क्या दिल्ली में किसी वाल्मीकि आदमी को CM का कैंडिडेट हम नहीं बना सकते? केजरीवाल झाड़ू को लेकर सारे वाल्मीकि को लेके जाता है, हम अपने लोगों को नहीं बचा सकते? कौन सी टेक्निक है भाई? एक तो समझाते ही नहीं। हरियाणा में 17% शमार है, ब्राह्मण CM हो गया, अंदर डिक्लेयर चुनाव हो गया, साला वो चुनाव भी नहीं जीत गया, भाग गया। अध्यक्ष था उसने इस्तीफा दिया, बोले हम क्यों झक मारे सालों साल इधर। कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई, कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये अंबेडकर आंदोलन की स्ट्रैटेजी है, मूवमेंट की स्ट्रैटेजी है? आज तक हम सारे लोग अनुशासन के नाम पर चुप रहे, डिसिप्लिन के नाम पर चुप रहे। मूवमेंट में पढ़ाया जाता था कि यूनिटी ऑफ थॉट, यूनिटी ऑफ एक्शन एक होना चाहिए, लेकिन अब इतना पानी बहने लगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। और इसलिए महाराष्ट्र में हमें हमारे जैसे अंबेडकर आंदोलन के साथियों के साथ कदम कदम मिलाकर, हाथ से हाथ लगाकर चलेंगे ना, तो कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट मेरा परसों पेपर में आया, और कल मुझे एक रिपब्लिकन के बड़े नेता ने फ़ोन करके कहा, माने साहब भंडार और गोंदिया में हमारा सिर्फ एक कैंडिडेट है, बाकी सारे आपके हैं, आप एक को समर्थन दे दो, हम सारे को समर्थन दे। क्यों नहीं होता? ये मूवमेंट है ना। कांशीराम साहब का फॉर्मूला भी शुरू में यही था। यूपी में क्या हुआ? यूपी में हम ऐसे ही बढ़े क्या? OBC को साथ लिया गया ना, SP BSP का प्रयोग किया, सरकारों का 4 प्रयोग किया, तब आगे बढ़े। अगर यही प्रयोग बिहार में होता, खुशवा बिहार का अध्यक्ष यही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जो प्रयोग यूपी में होता है वो प्रयोग हमें बिहार में करने दो ना। बिहार में अगर वो प्रयोग 10 साल पहले हुआ होता तो बिहार आज जो है ना वो पूरा वैसा यूपी जैसा बना रहता नहीं। लेकिन सारे प्रयोग यूपी में होंगे, सारी ताकत यूपी में होंगी, बाकी स्टेट वाले बाद में आ जाओ। तो मूवमेंट तो ऑल इंडिया लेवल पे है ना, आंदोलन तो ऑल इंडिया लेवल पे है, और इसलिए आने वाले दिनों में इसी नतीजा को अपनाया जाएगा,
ये भी मैं आपको साफ कह रहा हूँ, जिससे कम समय में हम जल्दी छलांग लगा सकते हैं, जल्दी बात उठा सकते हैं। और इसका दर्शन तो 2016 और 17 में कॉरपोरेशन के चुनाव में करके देखा। खास करके नागपुर वाले बहुत होशियार लोग हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर बहुत से आज भी सोच में है, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, कश्मकश की अवस्था है। ये अभी समय पे उन्होंने कहा ना, भंडारा गोंदिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब उन्होंने ये भी कहा कि बाकी चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना है उस समय बताएंगे, चुनाव आने के बाद। तब तक आप क्या करो, तब तक आप क्या करो, भजन कीर्तन करो, तब तक भजन कीर्तन करो। क्यों कहते नहीं कि हम लड़ेंगे मैदानी डट पे, बोलो ना, क्यों डर है, क्या डर, क्या कौन सा डर है? नहीं, उस समय क्यों कहते नहीं कि हम लड़ेंगे मैदानी डट पे, बोलो ना, क्यों डर है, क्या डर, क्या कौन सा डर है? नहीं, उस समय तय करेंगे लड़ना या नहीं लड़ना है। तब तक आप अपना वार्ड मत बनाओ, सेक्टर मत बनाओ, बूथ मत बनाओ। जब आपको ऐलान किया जाएगा तब करो। ये जीतने का प्रोग्राम है या हारने का प्रोग्राम है यार? ये कौन सा जीतने का फार्मूला है, मेरे भी समझ में नहीं आता। ये तो पक्का हारने का इंतजाम है। अच्छा, उसमें से चलो भाई, ये हमारा मिशन का पुराना साथी है, ये अगर ताकतवर है तो इसको कहो ना आज कि तेरे को इस वार्ड से तैयारी करनी है, तो अभी से काम पे लग जा। मैंने बहन जी के सामने ये भी सवाल उठाया, बहन जी आप उत्तर प्रदेश में एक एक साल पहले उम्मीदवार तय करती है, हमारे महाराष्ट्र में चुनाव के समय में कौन से प्लैनेट से गिरता है वो आखिरी समय तक पता नहीं, और वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष को भी नहीं पता होता, जिला अध्यक्ष को भी पता नहीं होता कि कहाँ से गिर रहा है, ये एलियन कहाँ से आया। बोला ये कौन सी नीति है, कैसे जीतने का प्रोग्राम। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी लोग क्या करें मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी यही होगी, अभी से ताकतवर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और अभी से काम पे लगाएगा। और ये सिर्फ नागपुर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बम्बई की भी बात कर रहा हूँ। अभी वो बम्बई वाले भी थोड़े पागल हो गए, अभी मतलब बिगड़ने लगे अभी आप जैसे, पहले वो बहुत अच्छे लोग थे, आजकल वो भी बिगड़ने लगे, अभी धक्का बुक्की करने लगे, थोड़ा ऐसा करने लगे वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी करने लगे, मतलब इधर की बीमारी उधर आने लगी है अभी। हाँ, वो जो भी है तो वो उधर आने लगे हैं, तो ये मत समझे कि इधर ही होगा, वो उधर भी होगा। अभी ये सिर्फ अभी गोंदिया भंडारा नहीं, बाकी भी इलाका है, तो वहाँ भी लोगों को पहले से लगाया जाएगा। तो क्यों नहीं जीतते, कैसे नहीं जीतते दिखते ना। और ये 2016 और 17 के आधार पर 2019 की बुनियाद बनेगी, इमारत उसके ऊपर बनेगी, और 2016 और 17 के नतीजों के बाद फिर उसका रिव्यू लेकर 2019 की प्लानिंग वहाँ से शुरू होगी, और उसके आधार पर 2 साल जम के काम करो, कैसे नहीं जीतते देखते ना, कैसे नहीं जीतते। और जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते ना, बहन जी पण सांगाय जतना, साम दाम भेद दंड और इत्यादि आदि, इत्यादि इत्यादि म्हणजे सगळंच जे सांगण्यासारखं नाही ते वो सारा आ गया ना, तो अपनाते ना, क्यों नहीं अपनाते। और ये अपना कर संघर्ष के आधार पर, कांशीराम जी की फिर बात, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। संघर्ष ही राज्य सत्ता आती है, और वही हमारे मूवमेंट का आधार है, और उस आधार को महाराष्ट्र में मजबूत किया तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये कोई 10-20 साल का प्लान नहीं है, 5 साल का प्लान है, ये कोई 10-20 साल का नहीं। और ये प्लान को एक्सेलरेट करने के लिए हमारा एक छोटा मोटा तो अखबार होना चाहिए,
जो मूवमेंट का हो, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल कई लोग हमारे निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल तो कई लोगों के हैं, लेकिन ये अपने मूवमेंट का होना चाहिए और उसकी भी शुरुआत तुरंत हो जाएगी, तुरंत, चाहे नाम उसका बहुजन नायक हो या संगठक हो, मतलब वो नियम के मुताबिक होता है, जो वहाँ के जानकार लोग हैं उनको मालूम है कानूनी दिक्कतें, लेकिन शुरू होगा, चाहे वो वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, कैसा भी हो, वो लीगली फ्रेमवर्क के जब बनने के बाद वो अखबार शुरू होगा, ताकि आप लोगों की जो बड़े दिल की समस्या, एक तकलीफ थी कि हमारा कुछ पता नहीं है, अता पता नहीं है, तो वो एक माध्यम। तो बहुत से लोग आज भी कहते ना कि मैं साइकिल पे बहुजन नायक बांटता था, बहुजन संगठक बांटता था, अब साइकिल पे नहीं, टू व्हीलर पे बांटना है तो बाइक पे बांटो, साइकिल पे दिन तो थोड़े पीछे हट गए, बाइक पे बांटो या मारुति निकालो, लेकिन फिर जो आइडिया है वो मरी नहीं जाएगी, आइडिया को जिंदा किया जाएगा। तो आप भी पुराने, उधर मेश्राम भी बैठे हो पुराने बहुजन नायक के साथ, तो मतलब एक न्यूज़पेपर का भी उसी लिए आना। लेकिन मैं और भी आपको कहूँगा कि इसके साथ और कोई दो चार न्यूज़पेपर को भी हाथ में बांध के रखना चाहिए, जो अपना साथ देंगे, ये भी रणनीति को अपनानी ज़रूरी है। और आवाज़ वाले लोग तो ही जो आवाज़ देते रहेंगे, तो ऐसे भी साथियों को मूवमेंट के साथ रखना पड़ेगा, तब कॉरपोरेट मीडिया, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में हम बड़ी ताकत के साथ उभर सकते हैं और इसी के सहारे आने वाले दिनों में चलेंगे। अब ये सब करने के लिए फाइनेंस तो लगेगा, और मैंने कहा शुरू में फाइनेंस कहाँ से आएगा, कोई आसमान से नहीं आएगा, अपने को ही खड़ा करना पड़ेगा, मूवमेंट से ही खड़ा होना चाहिए, मूवमेंट के लोगों से ही खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने कुछ एक प्लान बनाया है, वो प्लान ऐसा है कि पहले 100 लोग अपने जेब से 1-1 लाख रुपए देंगे, जिसमें मेरा खुद पहले 1 लाख रुपए होगा, 100 लोग 1-1 लाख रुपए देंगे तो 1 करोड़ का टारगेट होगा। वैसे शुरू में तो 5 करोड़ लगते हैं, लेकिन 1 करोड़ का टारगेट होगा, और 100 लोग 1 लाख वाले मतलब अकेले नागपुर में भी मिल सकते हैं, इतने बड़े अभी पिछले 10-20 साल से हो गए ये लोग, अकेले दे सकते हैं, अकेले ही दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा कि जो मूवमेंट के मानने वाले लोग हैं, मूवमेंट जिनको खड़ी रखने की इच्छा तमन्ना है, तो कैपेसिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता, कब इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा को ताकत की जोड़ होनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि 1 लाख वाले 100 लोग मिनिमम चाहिए, तभी आपकी सारी मशीनरी चलेगी, कार्यालय चलाने पड़ेंगे, और कार्यालयों को क्या करना वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन ये मिनिमम कैपिटल तो आपको रखना पड़ेगा। और बामसेब के माध्यम से हर महीने में मिनिमम पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख का रोटेशन फंड आपको खड़ा करना होगा, तब आपका रूटीन एक्सपेंडिचर, जिसको करंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो आपका आराम से मूवमेंट और पार्टी को चलाने में आसान होगा। तो ये फंडिंग के लेवल पर भी आप जो भी कुछ लोग सीरियस है, अपने आप को तैयार करो, और ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ये 5 तारीख को यूथ सम्मेलन हो रहा ये औरंगाबाद में, 19 तारीख को हो रहा है ये वर्धा में, उसके बाद में ऐसी जो मीटिंग है वो पूरे महाराष्ट्र से, अभी ये भंडारा गोंदिया के चुनाव के बाद मैं फ्री होऊंगा तो बाकी रीजन में भी होगी, मतलब ये कंसल्टेशन प्रोसेस, ये कंसल्टेशन प्रोसेस चलेगी सबके साथ। और फिर 2 दिन का मैं आप लोगों को महाराष्ट्र में एक जगह बुलाऊंगा, वो जगह भी तय हो गई, नाशिक, जो रेलवे ट्रैक के रोड पर है, क्योंकि आसान होनी चाहिए, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को पॉसिबल होनी चाहिए। और वहाँ 1 दिन का इंडोर सेशन होगा और 1 दिन का खुला सेशन होगा, अगर बरसात ने साथ दिया तो, नहीं तो फिर हॉल में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये 2 दिन की डेलिब्रेशन होगी, तब तक मैं ऐसे छोटे मीटिंग मीटिंग में अपने साथियों के माध्यम से हर एक रीजन के लोगों से पर्सनली बात करेंगे, जिलाओं से बात करेंगे, वर्करों से बात करेंगे,
और हमें आगे क्या क्या करना चाहिए उसका इनपुट उनसे लेंगे, उनकी आइडियाज़ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि उनकी आइडिया सही गलत है उसकी अभी जांच में चले जाए, तो आइडिया तो ले ले पहले, उनकी अपनी कितनी कैपेसिटी है उनके मुताबिक उनको एक्सप्रेस तो करने दो। और इसीलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप भी संदेशा दे दो कि जो लोग इस प्रोसेस में आना चाहते हैं वो अभी से अपने जिला में दो तरह के रिपोर्ट बनाने में लगे। एक, पूरे महाराष्ट्र में हम मूवमेंट को सफल बनाने के लिए, राजनीति के सफल बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, और एक हमारे ज़िले में मूवमेंट और राजनीति को सफल बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटेड थीसिस मत लिखिए, थीसिस लिखने से पढ़ने के लिए बहुत एक साल लगेगा, तो एक दो चार पेजों का रिपोर्ट होता है वो बनाइए, ताकि आप लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि सारे लोगों के साथ कभी कभी बात करना मुश्किल होता है, असंभव होता है। और इसलिए आप अभी भी जो समझदार साथी है, जो इस बात में कंट्रीब्यूट करने लायक साथी है, वो साथी इसमें अपना योगदान दे दे, और फाइनेंशियली जो है वो 1 लाख वाले तैयार हो जाए। और जो तैयार होंगे उन्होंने नासिक के ही मीटिंग में लोगों के सामने 1 लाख रुपए देने हैं, उसको चोरी छिपे नहीं देने हैं, पीछे नहीं देना, लोगों के सामने देना। चेक देते हैं तो बहुत बढ़िया, मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम देन द आप से भी ज़्यादा ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम भी दिखा सकते हैं, अंबेडकरी आंदोलन के लोग भी दिखा सकते हैं, ये मॉडल दिखा देंगे आपको। और इसलिए चेक पेमेंट है तो और अच्छी बात है, ये अच्छी बात रहेगी, लेकिन बाकी पेमेंट है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर बाकी छोटे मोटे वर्कर है, किसी का 2000 होगा, किसी का 1000 होगा, वो बाकी सब अलग होगा, लेकिन कोर कैपिटल, ये 1 करोड़ का कैपिटल शुरुआती कैपिटल में खड़ा होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम ये नासिक के मीटिंग तक तय हो जाएगा। और नासिक के मीटिंग में फिर सारा प्लान अपने लोगों के सामने रखा जाएगा, तब तक ये सारा इनपुट दे दो, मूवमेंट के लेवल पर, राजनीति के लेवल पर, आपके पास जो भी आइडिया है, जो भी सजेशन है, वो उसमें इंक्लूड करके दे दो। एक तो ब्रॉडर लेवल का मूवमेंट खड़ा करने के लिए, दूसरा तो ब्रॉडर सब्जेक्ट को लेकर मूवमेंट खड़ा करने के लिए, जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, जो ज़्यादा समाज के लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है, जो ज़्यादा सारे एक्सप्लॉयटेड लोगों को इकट्ठा कर सकता है। तो इन सारे तमाम बातों को ध्यान में रखकर मूवमेंट भी तगड़ी हो, और मूवमेंट तगड़ी होगी तो राजनीति तो पक्की तगड़ी होगी। ये दोनों को तगड़ा करने के लिए आपसे इनपुट, आपसे इन्फो, आपसे सूचनाएं वो वेलकम करेंगे। अभी इसकी ऑनलाइन भी जल्दी एक शुरू करने वाले हैं, मुझे थोड़ा ये निपट के बॉम्बे जाने दो। ये अच्छी बात है कि हमारी कुछ यंग फुल टाइमर जैसे लोगों की आईटी की टीमें काम कर रही है, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा कि ये यंत्रणा कैसे फास्ट चल रही है। तो कम से कम महाराष्ट्र में आज 5 जगह से ये यंत्रणा काम कर रही है, ये कोई एक जगह से यंत्रणा नहीं काम कर रही है, 5 जगहों से काम कर रही है। हमारे यंग साथी उसके इन्वॉल्व है, वो समय दे रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे, ताकि हम उसी माध्यमों का इस्तेमाल करके एक कॉम्पिटिटिव अपना भी नेटवर्क सोशल मीडिया के लेवल पर एक खड़ा करके, ये भी बात हम ध्यान में रखकर ऐसी भी फौज अपने सामने खड़ी होनी चाहिए। आखिर में आप लोगों के सामने सवाल ये क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारा नाम क्या होगा, नामांतर क्या होगा, उसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, जो कांशीराम साहब हमेशा कहते थे, नाम कुछ भी रखो, गधा रखो, घोड़ा रखो, काम बाबा का होना चाहिए। क्या कहते थे, नाम जो रखना है रखो, गधा रखो, घोड़ा रखो, काम बाबा का होना चाहिए। इस तरह की बात को भी समझ जाओ। और एक शंका होगी आपके मन में, हाथी सिंबल नहीं होगा तो क्या होगा। अब हाथी सिंबल था तो भी कितने झंडे आपने गाड़े, ये भी दूसरा सवाल है। दूसरी बात और बताओ, हाथी सिंबल होने का फायदा है बौद्ध इलाकों में,
हाथी सिंबल होना नुकसान है ओबीसी मराठा इतर जातियों में। कल मैंने भंडारा लोगों के अपने ओबीसी लोगों से बात की, उन्होंने कहा साहब हमारे पास हाथी नहीं, अब वोट बढ़ेंगे, जीतने के चांसेस ज़्यादा। मैंने पूछा हाथी नहीं है तो जीतेंगे कैसे, बोले हाथी थे इसलिए नहीं जीतते थे, क्योंकि हमारे लोग समझते हैं हाथी मतलब ये वो उधर वाला है, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। और हम लोग तो यहाँ नारे नहीं देते ना, हाथी नहीं गणेश है, हम तो नारे नहीं लगाते, ऐसे नारे लगाएंगे तो 22 प्रतिज्ञा बीच में आती है तो सब मुसीबत की घड़ी होती है। इसलिए किसी के दिल में सवाल होगा कि हाथी नहीं तो क्या होगा, मुंबई में हाथी था तो भी 150 वोट है अभी 2015 में विधानसभा में, हाथी के बाद भी 150 वोट है, तो उसकी भी ज़्यादा चिंता मत करिए। और नाम क्या होगा उसकी भी ज़्यादा चिंता मत करिए, मूवमेंट वही होगी जो फूले शाह अंबेडकर की कांशीराम साहब ने चलाई। माध्यम उसी तरह से चलेंगे, समय के साथ चलेंगे, पूरी ताकत के साथ चलेंगे। उदाहरण के तौर पर 1 अगस्त को अन्ना भाव साठे की जयंती है, अपना कोई संगठन नहीं बनाया अभी तक, कोई नाम नहीं है, लेकिन अन्ना भाव का गांव वाटे गांव वो सातारा जिले में आता है, सांगली जिले में आता है। 1 अगस्त है उनकी जयंती और वहाँ कोल्हापुर सांगले सातारा के लोग 5 दिन का ये 4-व्हीलर 2-व्हीलर मार्च लेके 1 अगस्त को अन्ना भाव के गांव पहुँचने वाले हैं, बड़ी रैली होगी, मैं खुद 1 अगस्त को वहाँ रहूँगा। ये मूवमेंट की बात है, उनके पास कोई नाम नहीं है, उनके पास कोई झंडा नहीं है, लेकिन विचार वही है। और इसलिए हमारे वर्करों ने किसी भावनाओं में ये रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी बाहर आए तो अच्छा है, जितने जल्दी आए उतना अच्छा है। आखिरी बात, हम भविष्य में कभी भी पब्लिकली बहन जी या BSP इसके ऊपर टीका नहीं करेंगे। मुझे पत्रकार ने पूछा था क्या ये काम करोगे, तो मैंने कहा नहीं। वो पत्रकार पूछता है कि क्यों नहीं, और मैंने उनको जवाब दिया कि अंबेडकरी आंदोलन में मोरालिटी नाम की एक चीज़ होती है, बहुत से लोगों के पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अंबेडकरी आंदोलन में नीतिमत्ता की एक बड़ी जगह है। जिसको कभी हमने अपना नेता माना, जिसके साथ कभी हमने बैठकर उठकर सम्मान में हिस्सा लिया, उसके ऊपर छींटा किसी करना ये हमारा चरित्र नहीं है, ना हम करेंगे ना करेंगे। और इसलिए हमारा कोई भी साथी इस बात में ना जाए, हम इसमें नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने इसमें जाकर बड़ी गलतियाँ की हैं, हम लोग उसी में नहीं जाएंगे। हम बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ तत्व पॉलिसी की बात करेंगे, व्यक्ति की नहीं करेंगे। पॉलिसी अगर फेल है तो पॉलिसी की मीमांसा करेंगे, व्यक्ति की मीमांसा नहीं करेंगे। वो कैसे रहते हैं, उनकी हालत क्या है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं है। हमारे लिए मूवमेंट के ही मुद्दे मेन मुद्दे होंगे, बाकी मुद्दों में हम नहीं जाएंगे कभी। और इसीलिए, लेकिन मैंने पत्रकार परिषद में यह भी कहा, हम तो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई काम हमारे खिलाफ अगर कोई करेगा तो फिर तगड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे अच्छेपन का कोई अगर गैर फायदा उठाएगा तो चुप बैठना कमज़ोरी होगी। मेरे अच्छेपन का कोई ये फायदा उठाए कि ये कमज़ोर आदमी है कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे फिर दिखाना पड़ेगा, ये तो सीधी एक नीति की बात है। फिर भी हमने कहा है कि हम इस झमेले में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमने किसी को भी आदर्श माना है तो हमारे आदर्श है। और आज भी हम ये दावे के साथ कहते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश के CM बने, हमारी पार्टी की सरकार बने, तो हम सभी ज़्यादा खुश होंगे, हमारी बधाई के पात्र होंगे और उनको शुभेच्छा देंगे। और कल PM के रेस में आते हैं तो हम उनके पीछे खड़े रहेंगे, हमें कोई दुख नहीं है।
हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम बात मूवमेंट की कर रहे हैं, आंदोलन की कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की कर रहे हैं। और आज ऑल इंडिया लेवल पे वो शख्स छोड़कर दूसरी कोई शख्स नहीं है वो उस जगह पे खड़ी हो सकती है। हमारे महाराष्ट्र को लेकर मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र के नीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना लेवल गिरा दें, नेवल नीचे ला दें। वो काम हम कभी नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा ना आप करें। कभी मेरे हाथों होता है तो आप मुझे बताओ, कभी आपके हाथों में होगा तो मैं भी आपको ये बताऊँगा कि भाई हम अपने मूवमेंट से मुद्दे से ना भटके, इधर उधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में तीन तरह के लोग हमारे साथ कभी नहीं आएंगे। एक जो छोटी मोटी दलाली करके रोजी रोटी कमाता है वो हमारे साथ कभी नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। दूसरा जिसको कोई चौकीदार बना नहीं सकता था वो हवलदार बन के बैठा है, वो भी कभी नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। तीसरा जो बड़े बड़े झोल करता है बड़े लेवल के, वो भी हमारे साथ नहीं आएगा। तो ये तीन किस्म के लोग कभी भी नहीं आएंगे, आप उम्मीद भी ना करें, और ये लोगों ने आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही लोगों को हम लेकर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, यही हाल होगा, वही धंधे पुराने होंगे। तो थोड़ा स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी, स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे ना, थोड़ी स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई धर्मादाय आयुक्त भवन नहीं, आओ जाओ घर तुम्हारा। ये आंदोलन खड़े करना है तो सोच समझदारी के साथ, अच्छे शख्स के साथ, अच्छे आदमियों के साथ। तो थोड़ा बहुत आप भी सतर्क रहे, हम भी सतर्क रहेंगे, नहीं तो फिर वही गंदगी, फिर वही, तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और सुबह सुबह एक साथी मुझे फ़ोन करता है साहब हम आपके साथ हैं। मैं बोला साथ है तो हॉल में आ जाओ, नहीं हम जरा थोड़ा देखते। मैं बोला फिर तू लेट आएगा, हाँ तो बोलता लेट आएगा। तो मैं बोला तू सीनियरिटी में पीछे रहेगा फिर, तो बोलता है साहब ऐसा भी होता है क्या, बोला ऐसा ही होगा, जो पहले अपना फैसला करेगा उसको क्या फैसले की कीमत नहीं है, वो पागल है। तू सोच समझ के फैसला करेगा, रास्ता बनने के बाद कोई भी दौड़ सकता है, रास्ता बनाने वाले पहले इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कुछ लोग अभी भी फैंसी के ऊपर बैठे हैं, और ख़ास करके नागपुर के कॉरपोरेशन को लेकर सोच समंजस में असमंजस में है, उनको मैंने आज साफ बातें की है, साफ इशारे दिए हैं। और एक बात ध्यान में रखो, पूरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होता, डर निकाल दो। मूवमेंट राजनीति ये विश्वास वाले लोगों की बात होती है, जिनके पास विश्वास अटूट भरा है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस लेस लोगों का ये फील्ड नहीं है, समाज कॉन्फिडेंस लेस है, और चलाने वाले भी कॉन्फिडेंस लेस लोग होंगे तो कैसा चलेगा, दोनों का कोई मेल जोल नहीं खाता। और इसीलिए कॉन्फिडेंस रखिए, पूरा ठीक होगा। जो आप में से आगे चलेंगे जो भी होंगे, उनकी कोई कमजोरियां होती है, गलतियां होती है, तो हम बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ उसको सॉर्ट आउट करेंगे और मिलजुल के चलेंगे, और मिलजुल के चलेंगे तो मूवमेंट का फिर वातावरण बनेगा, मूवमेंट का वातावरण बनेगा तो मूवमेंट भी खड़ी होगी, और जी मूवमेंट के ऊपर खड़ी हुई तो उसके ऊपर राजनीति टिकाऊ बनेगी, टिकाऊ होने का कोई सवाल नहीं आता। मतलब मेरा सीधा साफ है कि जो वर्कर पैदा करने वाली, ट्रेन करने वाली जो हमारी फैक्ट्री थी, बंद पड़ी थी, वो चलनी चाहिए।